तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार बनाने की कवायद भी तेज हो गई है और तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। पीएम आवास पर बुधवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। एनडीए के घटक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता चुन लिया। बिल्कुल, और देखिए इंडिया गठबंधन को साफ संदेश भी दिया है कि उनके पास अगले 5 साल तक इंतजार करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आठ जून को पीएम पद की फिर शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। 7 जून को एनडीए की होगी अहम बैठक। नई सरकार बनाने की जारी है तैयारी। पीएम मोदी के साथ एनडीए नेताओं की ये तस्वीरें गवाह हैं कि नई सरकार के गठन को लेकर गठबंधन में कितनी गर्मजोशी है। नेताओं के खिलखिलाते चेहरों की ये तस्वीर देश की सियासत के ऐतिहासिक पल की गवाह है, जिसके सबसे बड़े सूत्रधार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2014 में प्रचंड जीत के बाद देश की सियासत में जिस मोदी युग की शुरुआत हुई थी, वो सियासी अनुभवों के साथ 10 साल में और परिपक्व हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब गठबंधन नए दौर में प्रवेश कर चुका है। देश की जनता ने बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को फिर से सत्ता में बिठाया है। इस नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा के लिए बुधवार को एनडीए नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पीएम मोदी को गठबंधन का नेता चुन लिया गया। साथ ही घटक दलों ने अपना अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया। बैठक के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया कि एनडीए की सरकार जल्द से जल्द बननी चाहिए। आंध्र प्रदेश में एनडीए का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। यहां बीजेपी के साथ तेलुगु देशम पार्टी ने मिलकर लोकसभा के साथ विधानसभा में जबरदस्त प्रदर्शन किया। एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने बयान दिया कि हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और नतीजा सामने आने के बाद खुले दिल से एनडीए के साथ खड़े हैं। हाउ कैन वी कंटेस्ट इलेक्शंस इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनडीए? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. दिल्ली में 7 जून को पहले बीजेपी नेताओं की बैठक होने वाली है। उसके ठीक बाद एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी, जिसके बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के शपथ लेने का रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 8 जून को तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं। जहां एनडीए गठबंधन नई सरकार के गठन में लगा है, तो विपक्षी खेमा निराश हताश है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को उम्मीद थी कि चुनाव नतीजों के बाद एनडीए कुनबा बिखर जाएगा और सत्ता इंडिया गठबंधन के करीब पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लिहाजा उसे अब सही वक्त की तलाश है। मैं नीतीश जी के राजनीति से वाकिफ हूँ, चंद्रबाबू जी की राजनीति से वाकिफ हूँ। वो व्यक्ति केंद्रित विमर्श, आत्ममुग्ध नेतृत्व को या तो दुरुस्त कर देंगे या उसके साथ सहज नहीं होंगे। अब आप मेरी बात का जो मतलब निकाल सकें निकाल लें। इंडिया गठबंधन के नेता आने वाले वक्त में एनडीए को झटका देकर सरकार बनाने की मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हालांकि अब उनकी उम्मीदें खत्म होती नजर आ रही है। दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी और एनडीए नेताओं के खिलखिलाते चेहरे देखकर इंडिया गठबंधन के नेताओं का दिल जल रहा है। वहीं नेताओं की पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और जोश से लबरेज कार्यकर्ता गवाही दे रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन देश के सियासत में इतिहास रचने के करीब है।